तो चलिए आज जो है कि हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली जो है कि थ्री पॉइंट टू और ये जो है आप देख सकते हैं इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग फार्मूले पे जो है कि डिस्कस किए थे और जो भी आपके फार्मूले बताए गए थे उन पर जो है कि प्रत्येक जो है कि प्रत्येक फार्मूले पर आपको एग्ज़ाम्पल भी मैं बताया हुआ था और ये आपका लास्ट फार्मूला था जो कि आपका ये फाइंड करने के लिए था महत्तम पद और इसके पिछले वाले वीडियो को आप यदि नहीं देख पाए हैं तो नीचे जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या आई बटन पर जो है लिंक आ रहा है वहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं तो चलिए यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रश्नावली जो है थ्री पॉइंट टू का प्रश्न नंबर एक और हाँ प्रश्न नंबर एक में आपको निकालना है क्या आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है देखिए कह करें कि निम्न विस्तार में महत्तम पद ज्ञात कीजिए यानी कि जो भी आपका सवाल देगा उनमें जो है कि महत्तम पद निकालना है तो महत्तम पद निकालने के लिए देखिए इसमें भी आपको महत्तम पदे फाइंड करना है जो कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में आपको जो है कि बता चुके हैं कि कैसे आपको फाइंड करना है और महत्तम पद निकालने के लिए ये आपका फार्मूला है और नहीं है तो आप इसका पुनः जो है कि स्क्रीन शार्ट कर सकते हैं स्क्रीन शार्ट करके आप लोग जो है याद रख सकते हैं तो ये फार्मूला है इसका आप स्क्रीन शार्ट कर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं या इसके पिछले वाले वीडियो में आप जाइएगा वहाँ पर सभी फार्मूला रखा गया है और आपको एग्जाम्पल भी मैं आपको उस वीडियो में समझाया हूँ ठीक है चलिए शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा चलिए तो हम लोग बात करते हैं इस चीज़ को हम हटाते हैं और शुरू करते हैं प्रश्न नंबर एक से कहाँ से शुरू करते हैं प्रश्न नंबर एक से शुरू करते हैं और यही सब चीज़ें फाइंड करनी है ठीक ना चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर एक का जो है पहला यानी प्रश्न नंबर एक में लगभग आपके जो सवाल दिए गए हैं चार हैं इसके बाद दो में भी चार हैं तो हम लोग दो प्रश्न नंबर एक और दो को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इसके बाद अगले वीडियो में जो है प्रश्न नंबर तीन से मैं सोल्यूशन है आपका कह रहा है कि निम्न विस्तार में महत्तम पद ज्ञात करें यानी कि आपको महत्तम पद निकालना है ये आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है प्रश्न नंबर एक से प्रश्न नंबर एक का जो पहला है आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा क्या आपको फाइंड करना है सेम पिछले वाले वीडियो में जैसे हम बताए थे वैसे भी आपको फाइंड करना है और हाँ यहाँ पर देखिए दे रखा दे है कि वन माइनस टू एक्स का पावर दिया हुआ है आठ यानी इसका जो है महत्तम पद निकालना है और ये भी कंडीशन दिया है कि जब आपका यक्स बराबर एक वाटा में कितना हो चार तो महत्तम पद निकालिएगा कि जब यक्स बराबर एक वाटा में क्या हो चार तो सबसे पहले ये जो भी सवाल दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों आपको जो है यक्स प्लस ए का पावर एन का जो है व्यापक हुआ पद आपको पता होगा तो उसी व्यापक से यानी कि यक्स का पावर एन से जो है हम लोग पहले तुलना करेंगे व्यापक पद आपको यहाँ पर लिखना नहीं है ठीक है आप लिख सकते हैं जब पूरा आपको मान फाइंड करने के लिए कहेगा तो आप व्यापक पद लिख सकते हैं संख्यात्मक मान कहेगा तो व्यापक पद लिख सकते हैं तो संख्यात्मक मान इसमें नहीं पूछ रहा है सिर्फ आपको महत्तम पद पूछ रहा है तो आसानी से महत्तम पद निकाल सकते हैं और आपका संख्यात्मक मान कहेगा प्रश्न नंबर दो में तो वहाँ पर पहले इसका हम लोग विस्तार यहाँ पर पहले तो हम लोग तुलना कर लेंगे पावर एन से पहले तुलना कर लेंगे और तुलना करके हम लोग जो है महत्तम पद पहले निकाल लेंगे इसके बाद महत्तम पद निकालने के बाद यदि संख्यात्मक मान भी पूछता है तो आपको फिर लास्ट में चल के आपको क्या करना पड़ेगा विस्तार करना पड़ेगा लास्ट में चल के विस्तार करके हम लोग आसानी से निकाल लेंगे तो इस प्रश्न नंबर एक में आपको जो है कि महत्तम पद खाली निकालना है तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी देखिए पहला सवाल दे रखा है इतना ठीक है तो यहां पर आप लोग हल कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा यहां पर चूंकि x प्लस ए का पावर एन से तुलना करने पर ठीक है क्या करने पर तुलना करने पर तो ध्यान दीजिए जब हम लोग तुलना करेंगे मेरे छात्रों ध्यान से आप समझते चलिए एक ये समझ जाएंगे तो आप जो है शेष आगे वाला प्रश्न खुद सलूशन कर सकते हैं इसको जरा गौर से आप समझिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर आपका वन है तो यस बराबर आपका वन मिला है यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए बराबर आपका है माइनस टू एक्स है लेकिन यहाँ पर यक्स आ रहा है लेकिन यहाँ पर जब दे रहा है कि यस का मान एक बटा में चार हो तो यहाँ पर आप आपस का मान जो है एक ही बार रख करके आप एक ही बार फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर दो एकम दो दूनी के चार यानी माइनस एक बटा में क्या हुआ दो इसके बाद आपका जो नंबर है यन का मान कितना है आपका आठ यानी कि यन बराबर कितना है मेरे प्रिय छात्रों आठ है क्या ये सब चीज़ें समझ में आई ये सब तो पता है पता है ना अब यहाँ पर महत्तम पद आपका निकालने के लिए होता है टी आर प्लस वन यानी महत्तम पद कभी भी निकालना होगा तो इस फार्मूले से हम लोग आर का मान निकाल ले और आर का मान निकाल करके एक अधिक कर दें यहाँ पर देखिए आर का मान निकाल करके यदि एक जोड़ दे उसमें तो आसानी से जो है कि हम लोग महत्तम पद निकाल सकते हैं तो हर हाल में ये जो फार्मूला दे रखा है इस फार्मूले से हम लोग को आर का मान निकालना है और आर का मान निकाल ले तो आसानी से हम लोग जो है कि महत्तम पद फाइंड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन रखी गई हैं कि का मान हमेशा धनात्मक दो बार मैं लिखा हूँ का मान हमेशा धनात्मक रखते हैं देखिए तो कोई भी एक अमान होगा ना तो उसको जो है हमेशा प्लस में रखेंगे तो जैसे यहाँ पर एक अमान आपका आया है माइनस एक बटा में दो तो ये कंडीशन कह रहा है कि जो ये फार्मूला आपका है उस फार्मूला में माइनस नहीं रखना है हमेशा किस में रखना है प्लस में ठीक है चलिए तो यहाँ पर आपका आप लिखेंगे कि महत्तम पद महत्तम पद आप लिखें कोष्टक में टी आर प्लस वन महत्तम पद क्या होता है टी आर प्लस वन के लिए सूत्र आप लिख सकते हैं ठीक है के लिए सूत्र ठीक है सूत्र आप लिखेंगे तो चलिए मैं यहां पर आता हूं सूत्र आपका अप्लाई होगा एन माइनस आर प्लस वन आप सूत्र देखते हैं देख सकते हैं बटा में आर इन टू ए बाटा में एक्स ग्रेटर टू कितना वन यहाँ पर सभी मान पुट किया जा रहा है यहाँ पर देखें नंबर रखिए मान आपका यहाँ पर आठ दिख रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा आठ माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आपका आर हो जाएगा मान है माइनस वन बाई टू है लेकिन एक अमान हमेशा प्लस में रखना है तो वन बाई खाली क्या हो जाएगा टू बाटा में एक्स का मान कितना है आपका वन इजक्ल यानी कि हो जाएगा ग्रेटर टू वन

9 ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाएगा 3r कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 9 ग्रेटर देन इज इक्वल टू r सॉरी तीन ना ये हो जाएगा r या क्या हम लोग इसको ऐसे घुमा कर पूरा घुमा सकते हैं यानी r स्मॉलर देन इज इक्वल टू क्या 3 ठीक है तो जरा कंडीशन आप समझिए ये कह रहा है कि जो r है तीन से छोटा और तीन के बराबर तो आर मान तीन से छोटा का मतलब एक दो हो जाएगा तीन के बराबर का मतलब एक तीन हो जाएगा यानी कि आर का मान दो कंडीशन बना आर मान कितनी कंडीशन बना दो यानी आर के लिए आपकी दो कंडीशन बन गई और हाँ आपको यहाँ पर मैं लिखा भी हूं यदि आर का मान पूर्णांक हो तो महत्तम पद दो होता है पूर्णांक का मतलब यह हुआ कि आर का मान यदि हर में अंश और हर में नहीं आता है सिर्फ आपका एक पद आता है यानी जैसे तीन आ गया इसका हर नहीं है ना इसे हम लोग पुरांक कहते हैं जिसका हर न हो ठीक है तो यहाँ पर देखिए आर का मान पूर्णांक हो तो ये आपका आर का मान पूर्णांक है तो उस कंडीशन में जो महत्तम पद मिलेगा दो मिलेगा तो आर का मान यहाँ पर दो हो जाएगा यहाँ पर ये इंडिकेट क्या किया करें कि आर का मान तीन से या तो छोटा और तीन के बराबर तो दो मिलेगा तो इसका मतलब कि तीन से छोटा का मतलब एक दो हो जाएगा तीन के बराबर का मतलब एक तीन हो जाएगा तो आर का मान दो हुआ तो महत्तम पद भी कब होगा दो गो तो आपको बताए हैं कि कभी भी महत्तम पद निकालना होगा तो एक अधिक यानी आर से एक अधिक यहां पर आर मान दो है तो इसका मतलब एक महत्तम पद तीन हो जाएगा आ एक आर का मान तीन है तो इसका मतलब एक महत्तम पद कितना हो जाएगा चार हो जाएगा ठीक है यहां पर ऐसे लिख सकते हैं ना लेकिन लिखने का तरीका क्या है मैं लिख दे रहा हूं तरीका क्या है ठीक है देखिए यहां पर हो जाएगा महत्तम पद बराबर आपका हो जाएगा दूसरा पद कामा और क्या हो जाएगा तीसरा पद ये आपका फाइंड हुआ है फाइनल आंसर तो मेरे प्रिय छात्रों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो महत्तम पद है महत्तम पद दूसरा पद हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका चारवा चारवां पद दूसरा दूवा पद सॉरी दो है ना गड़बड़ गया तीसरा मिस्टेक हो गया रुक जाइए एक बढ़ाना है ना महत्तम पद के लिए एक बढ़ता है ना दो है तो क्या हो जाएगा तीनवा पद ऐसे कर लीजिए तीनवा पद या हिंदी में ही लिख लीजिए तीसरा पद और एक तीन है तो कितना हो जाएगा चौथा पद यानी कि चारवां पद चौथा पद कर लीजिए ये फाइंड हुआ क्या आपका आंसर समझ में आई बात ये कंडीशन हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि किस समय आपके महत्तम पद दो होते हैं इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा और किस समय महत्तम पद आपका एक आएगा तो इसी तरह से हम लोग शेष प्रश्नों को भी सोल्यूशन करना है तो चलिए शेष प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगी अब हम लोग जल्दी जल्दी सोलूशन करेंगे चलिए इसी के साथ दूसरा प्रश्न देखिए क्या है वन प्लस दे रखा है यहाँ पर मैं इस चीज़ को हटाता हूँ जो जो चीज़ें हम लोग को नहीं चाहिए उनको मैं हटा देते हैं ठीक है मैं हटा देता हूँ जो नहीं चाहिए चीज़ें यहाँ पर देखें अब यहां पर हो जाएगा दूसरा जो आपका दे रखा है ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है कह रहा है कि वन प्लस फोर एक्स वन प्लस फोर एक्स पावर दे रखा है आठ जब यक्स बराबर दिया है वन बाई क्या थ्री ठीक है यक्स जब यक्स बराबर हो वन बाई थ्री तो महत्तम पद निकालना तुलना करेंगे तो x का मान वन रह जाएगा और ए का मान चार हो जाएगा यही बराबर ठीक है एक चार एक्स यही बराबर हो जाएगा चार मल्टीप्लाई कमान कितना है एक बटा में तीन यानी कि यह हो जाएगा चार बटा में तीन और एन कमान कितना है आपका आठ ठीक है ना अब यहां पर महत्तम पर टीय प्लस वन के लिए सूत्र फिर अप्लाई करेंगे यहां पर अब मैं यहां पर डायरेक्ट शुरू करता हूं कैसे जो है कि आपको हल करना है ध्यान दीजिएगा ठीक है अब यहां पर एन मान देखिए कितना है आठ है और ये एक आठ और कितना हो जाएगा नौ माइनस आर हो जाएगा ठीक है बटा में आर इन ए का मान कितना है चार बाटा में तीन तो ये हो जाएगा चार बाटा में तीन और एक्स जो है ये देखिए आंसर ए का जब आंसर हर आता है तो यक्स इसके साथ हर के साथ जाएगा तो एक्स का मान जो है आपका वन यानी कि वन था तो उतना ही रह जाएगा और ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन इजक्ल टू वन मल्टीप्लाई कराइए चार नवा छत्तीस माइनस चार आर बाटा में हो जाएगा तीन आर ग्रेटर देन इजकअल टू वन मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाए छत्तीस माइनस फोर आर ग्रेटर देन इजकअल टू थ्री आर ये हो जाएगा छत्तीस ग्रेटर देन इजिकल टू थ्री आर प्लस क्या फोर आर यहाँ पर हो जाए छत्तीस ग्रेटर देन इजिकल टू और चार तीन कितना हो जाएगा सात आर यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से जब सात से छत्तीस में भाग को इसको पहले अलग कर लीजिए इस तरह से सात आर स्मॉलर देन इजकल टू क्या छत्तीस इसको पहले यानी घुमा दिए हैं ऐसा समझिए इसको क्या किया घुमा है घुमा दिया गया है तो अब ये हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा अः सात पचे पैंतीस हो जाएगा पांच और सात पचे पैंतीस और एक बच गया यानी कि ये हो जाएगा सात सात पचे पैंतीस जब छत्तीस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यानी कि ये रहा आपका प्रोसेस यानी कि यहाँ पर आपका ऐसे हो जाएगा सात जब गुणांक गुणांक हटाएंगे तो इसका बटा लगेगा यानी कि छत्तीस बटा में सात और भाग देंगे तो हो जाएगा पाँच सही एक बटा में सात तो पाँच से एक बटा में सात का मतलब ये हुआ कि वो पूर्णांक नहीं है पूर्णांक नहीं है क्योंकि इसका हर आ चुका है तो पूर्णांक नहीं है तब तो इस कंडीशन में चूंकि आर बराबर कितना हो जाएगा देखिए जो आपका अंश और हर वाला होता है उसको छोड़ देते हैं सिर्फ आपको कि कितना लेना है पूर्णांक वाले को जो आपका पूर्णांक में हो उसको सिर्फ लेना है तो सिर्फ आपका हो जाएगा पांच यानी कि चूंकि आर बराबर कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा और जब आर बराबर पांच हो गया तो महत्तम महत्तम पद तो महत्तम पद आर का मान पाँच है तो महत्तम पद एक बढ़ जाएगा यानी कि छठवा जा पद ठीक है ये रहा आपका क्या फाइनल आंसर यानी महत्तम पद जो होगा मेरे प्रिय छात्रों आपका जो है छाठवा पद हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि महत्तम पद होता है टी आर प्लस वन यहाँ पर देखिए महत्तम पद आप टी आर प्लस वन करके आर का मान रख करके जोड़ करके यानी कि यहाँ पर आर का मान रख करके जोड़ करके आप दिखा सकते हैं या आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो महत्तम पद बराबर क्या हो जाएगा छाठवा पद आपका होगा आपको मैं बार बार, बार बता रहा हूँ कि जो आर का मान होगा जितना आर का मान होगा महत्तम पद उससे क्या होता है अधिक होता है तो हम हम लोग ने आर का मान यहाँ पर पाँच रखा हुआ है और क्यों आपका आर का मान पाँच रखा गया क्योंकि ये पूर्णांक में नहीं है जो पूर्णांक में नहीं होगा उसको आप छोड़ देंगे जो पूर्णांक में नहीं होगा उसको आप छोड़ देंगे सिर्फ आप पूर्णांक वाला ले लेंगे ठीक है आज जब आपका जो है कि पूर्णांक में हो तो आपको बताए ही है पूर्णांक वाला कैसे आपको करना है तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर में आपको देखिए सेम प्रोसेस आपको ऐसे ही करना है तीसरे में भी तो चलिए यहाँ पर सब कुछ मैं वही रहने दे रहा हूँ ठीक है बस आपको सॉल्यूशन करना है ना देखिए फिर वही जो है प्रोसेस उसी तरह से लिखना है आपको चलिए यक्स बराबर आपका चार मिल गया है ए बराबर मिला हुआ है माइनस थ्री एक्स बराबर यक्स कमान यहाँ पर चार दे रखा है तो यहाँ पर माइनस थ्री मल्टीप्लाई चार बराबर चार तेज कितना हो जाएगा बारह यानी कि आपका ए कमान माइनस बारह आ गया नंबर कितने हैं भाई घात आठ है तो अब वही महत्तम पर टी आर प्लस वन के लिए सूत्र आपका क्या होता है यही ना होता है यानी कि यन माइनस आर प्लस वन चलिए तो घात यन आठ है आठ में एक जोड़ेंगे तो आपका न हो जाएगा न माइनस आर हुआ कि नहीं हुआ बाटा में आपका आर हो जाएगा इन टू एक अमान पूछ रहा है तो का मान आपका माइनस बारह है लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर प्रतिबंध में लिखा हूँ कि जो भी आप का मान आप रखेंगे हमेशा धनात्मक रखेंगे तो एक अमान माइनस बारह है तो आप सिर्फ बारह रखेंगे बाटा में एक्स मान कितना है चार तो यहाँ पर है ग्रेटर देन इजकल टू कितना है वन तो चार तीन बारह तीन से मल्टीप्लाई तीन नंबर सत्ताइस हो जाएगा माइनस थ्री आर ग्रेटर टू आर तो ये हो जाएगा सताइस ग्रेटर देन इजकअल टू आर ये आपका माइनस में उधर जाएगा तो प्लस थ्री आर यहां पर आप देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे आपका हो रहा है ये हो जाएगा सताइस ग्रेटर देन इजिकल टू फोर आर यह हम लोग इसको भी, इसको घुमा सकते हैं फोर आर स्मॉलर देन क्या हो जाएगा सताइस ठीक है तो भाग देंगे तो आर बराबर हो जाएगा चार छके चौबीस चार छके चौबीस छ बार और ये हो जाएगा तीन बटा में चार, चार देखिए यहां पर जो है ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों यहां पर भी जो कंडीशन आपकी बनी है ना आर का जो मान है आपका आर का मान जो है पूर्णांक नहीं है पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब कि जो महत्तम पद मिलेगा एक ही ना मिलेगा चूंकि आर बार बार कितना हो जाएगा छः चूँकि आर बार बार कितना मिलेगा छः क्यों भाई क्योंकि जो है कि आर का जो आर है आर एक पूर्णांक नहीं है तो इसीलिए जो है कि आपका आर का मान कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा ठीक है आर का मान कितना हो जाएगा छः ना अब यहाँ पर आपको निकालना है कि आप महत्तम जो पद बताना है तो आप महत्तम पद आप हाँ एक कंडीशन एक कंडीशन याद रखिएगा आप लोग ठीक ना आपको ऐसे लिखिएगा ठीक है कभी भी आप लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा कि चूंकि आर का मान पूरां नहीं है इसलिए इसलिए महत्तम पद आपका कितना होगा एक होगा अतः तो आर बराबर आपका कितना इसे आप लिख सकते हैं ठीक है यहां पर आपका हो जाएगा महत्तम पद बराबर आपका हो जाएगी देखिए आर का मान है तो हो जाएगा सातवां पद ये आपका क्या फाइनल आंसर ठीक है तो आप को ये अच्छी तरह समझ में आ गया है चूँकि आर बराबर कितना हो जाएगा छः हो जाएगा इसलिए जो है महत्तम पद आपका सातवां पद होगा यहाँ पर इसलिए आप लिख सकते हैं या लेस लगा सकते हैं इसलिए महत्तम पद बराबर सातवां पद ठीक है न चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे अगला स्टेप क्या है आ, तीन कंप्लीट हुआ और हाँ इसमें और भी यदि विस्तार से आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अतः इतने के प्रसार में महत्तम पद यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं फोर माइनस थ्री एक्स का पावर एट के प्रसार के प्रसार में महत्तम पद पद बराबर सातवां पद ठीक है यानी कि अतः फोर माइनस थ्री एक्स का पावर एट के प्रसार में महत्तम पद जो है सातवां होगा ठीक ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो कोई बच्चे कहते सर थोड़ा ट्रिक बताइए देखिए ट्रिक आपका इसमें कुछ नहीं है बस आपको मैं बेसिक से बता देता हूँ तो वही आपका प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाता है और बेसिक से मैं इसलिए बताता हूँ ताको स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आता रहे तो इसमें ट्रिक कुछ नहीं है बस यहाँ से आप यदि इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो बस आपको ये पता होगा कि ये एक्स मान होता है ये ए मान होता है ये एन का मान होता है और एक्स मान तुरंत वहाँ पर रख करके आप हल कर सकते हैं ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मेरा काम है आपको बेसिक से बताना यानी कि स्टेप बाई स्टेप आपको समझाना है ठीक ना क्योंकि पढ़ाने का मतलब यह हुआ कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाए कि कौन सा प्रोसेस किस तरह से चल रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों का सोलूशन हो रहा है आपपन तो नहीं है ना कि आपका ट्रिक लागू किया जाए ठीक है चलिए इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ प्रश्न नंबर दो के तरफ तो यहाँ पर दूसरे का प्रश्न नंबर दूसरे का हम लोग पहले की बात करें देखिए सेम प्रोसेस दूसरे के पहले में भी, भी बस यही आपको करना है लेकिन बस यहाँ पर यहाँ तक तो प्रोसेस आपको सेम करना है लेकिन आगे पूछ रहा है संख्यात्मक मान तो संख्यात्मक मान के लिए आप लोग करेंगे क्या कि जो भी आपका सवाल में दिया रहे दिया रहेगा उसका जो है व्यापक पद पहले लिखना है और व्यापक पद लिख करके आसानी से जो है कि आर का मान रख करके वहाँ से आप लोग फाइंड कर सकते हैं ठीक है थीके? तो बस वही जो है आपका स्टेप बढ़ने वाला है तो यहाँ तक हम लोग वही प्रोसेस लेकर चलेंगे बस आगे आपको करना है क्या व्यापक पद लिख करके आर का मान रख करके वहाँ से आपको क्या कर देना है फैक्टोरियल पद तोड़ करके मान निकाल देना तो वही चीज़ जो है थोड़ा सा आपका बढ़ेगा चीज़ ठीक है ना चलिए तो फिर हम यहां से हटाते हैं कि कौन कौन सा जो है चीज क्या दिया हुआ है तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ पूरा और फिर जो है मैं लिख देता हूं ठीक है चलिए तो ये सब चीजें समझ में आ रही है आप लोग को ना तो ये तो फार्मूला आपका फिर मैं हटा देता हूँ फिर से मैं लिख दे रहा हूं ठीक है चलिए तो दूसरे के पहले में ये कह रहा है कि निम्न विस्तार में महत्तम पद तथा उसका संख्यात्मक मान बताइए देखिए संख्यात्मक मान बताना है पहले महत्तम पद सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा अब बस संख्यात्मक मान आपको बता देना है ठीक ना चलिए यहां पर आते हैं हम लोग पहले का दूसरे का पहला कि टू प्लस थ्री एक्स का पावर एट जब यक्स बराबर आपका कितना हो एक बटा में दो एक वाटा में क्या हो दो चलिए लिखेंगे यक्स प्लस ए का पावर एन से तुलना करने पर चूंकि एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए का पावर एन से क्या करेंगे तुलना करेंगे तो आपका यक्स बराबर क्या मिला है दो मिला यहां पर ए बराबर आपका थ्री एक्स मिला है यही बराबर लेकिन यह हो जाए थ्री मल्टीप्लाई का मान कितना है एक बटा में दो ना एक बटा में दो इज तीन एक तीन बटा में क्या हो जाएगा दो ठीक है यहाँ पर आपका यन का मान जो है यन बराबर हो जाएगा कितना आठ समझना तो अब यहाँ पर यह चीज निकाल ली है तो अब वहाँ पद के लिए अब वही सेम प्रोसेस आप निकालेंगे फार्मूला क्या होता है अप्लाई करेंगे ना ठीक है यानी कि महत्तम पद महत्तम पर टी आर प्लस वन के लिए महत्तम पद क्या होता है टी आर प्लस वन होता है तो टी आर प्लस वन का मतलब हार का मान हम हम लोग हर बार निकालना पड़ेगा ना चलिए फार्मूला क्या कहता है फार्मूला कहता है एन माइनस वन होना चाहिए प्लस नहीं एन माइनस आर ना आर अब बटा में आर होना चाहिए इन टू आपका है ए में एक्स ग्रेटर देन इजिकल टू आपका वन ठीक है चलिए नंबर कितना है इसमें आठ नंबर आठ है ना इसमें हाँ नंबर आठ है तो आठ प्लस वन न आर बटा में आर इंटू ए का मान कितना है तीन बटा में दो तीन बटा में दो इंटू एक्स एक्स का मान दो है तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे दो ग्रेटर टू कितना हो जाएगा वन तीन हो जाएगा सत्ताईस माइनस थ्री आर बटा में तीन दो दो के चार चार से आर में चार आर हो जाएगा ग्रेटर टू वन यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो सताइस माइनस थ्री आर हो जाएगा ग्रेटर देन इजकल टू फोर आर यहाँ पर इसको भेजेंगे तो यह हो जाएगा सताइस ग्रेटर देन इजकल टू फोर आर और प्लस क्या थ्री आर ये हो जाएगा सताइस ग्रेटर देन इजिकल टू हो जाएगा सात आर या क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं सात आर स्मॉलर देन इजकअल टू क्या सताईस यहाँ से आर बराबर हो जाएगा आर स्मॉलर देन इजकल टू हो जाएगा सताइस सॉरी है ना तो सताइस है तो सात से जब सताइस में भाग देंगे तो टोटल आपका कितना हो जाएगा सात तरीके इक्कीस यानी कि सात तरीके इक्कीस चार बच गए यानी कि सात तीन सही चार बटा में सात कितना है तीन सही चार बटा में आपका सात जो है कि आया हुआ है ठीक है यानी कि देखिए सात तरीके इक्कीस इक्कीस चार नहीं सात तरीके इक्कीस इक्कीस छा इक्कीस छह सताइस ठीक है यानी कि तीन सही छ बटा में जो है आपका कितना आया है आ, तीन सही बटा में सात सात तरीके जाएगा ना बटा में ठीक है वही भाग देंगे तो आपका उतना हो जाएगा तो यानी कि आर का मान कितना आया है यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए महत्तम पद पूछ रहा था तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि टू प्लस थ्री एक्स का पावर एट के प्रसार में प्रसार में महत्तम पद बराबर महत्तम पद कितना है देखिए तो कि आर मान यहां से तो आर मान कितना हो जाएगा आर बराबर तीन लेंगे ना हम लोग क्योंकि ये पूर्णांक नहीं पूर्णांक नहीं तो आपका महत्तम पद एक ही निकलेगा रहता तो दो निकलता ना तो महत्तम पद आर का मान आर का मान तीन आ गया तो महत्तम पद आपका कितना हो जाएगा चौथा पद एक आंसर मिल गया ना यानी कि महत्तम पद पूछ रहा था तो पद आपका चौथा हो गया चौथा पद हो गया लेकिन आपका पूछ रहा है क्या संख्यात्मक मान भी पूछ रहा है क्या पूछ रहा है संख्यात्मक जो है मेरे छात्रों आपका मान भी पूछ रखा है तो चलिए संख्यात्मक मान आपका निकाल लेते हैं अब क्या करेंगे ये जो आपका सवाल दिया हुआ है टू प्लस थ्री एक्स का पावर एट का व्यापक पद लिखना है पहले व्यापक पद ठीक है तो व्यापक पद लिखेंगे तो आपका होता है एन सी आर यानी कि आठ सी आर का मान कितना है आपका थ्री इन टू एक्स का मान यानी कि टू का पावर हो जाएगा दोनों का अंतर होता है ना आपको व्यापक प्लस ए का पावर का व्यापक पद, पद पता है आपको व्यापक पद तो पता होगा ना व्यापक पद कहां लिखे यहां पर मैं लिख देता हूँ आ, यही पे लिख देते हैं छोटा में आपको समझ में आ जाए यहाँ पर चलिए लिख दे रहे यानी कि आपका यक्स प्लस ए का पावर एन का जो व्यापक पद होता है एन सी आर होता है इंटू एक्स का पावर एन माइनस आर होता है इंटू ए का पावर क्या होता है एन यही होता है ना आपको बताएं पहले भी चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा टू का पावर कितना है? दोनों का अंतर तो आपका हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा पाँच क्योंकि तो दोनों का अंतर आपका पाँच हो जाएगा इन टू थ्री एक्स का पावर कितना हो जाएगा तीन उसी पे हम लोग तो, यहाँ पर मिस्टेक है ए का पावर आर होता है ना यानी एन सी आर ए का पावर आर ठीक है चलिए तो यहां पर ये यह समझ में आ गई बात अब यहां से आपका हो जाएगा एट सी थ्री यानी कि जब इसका फैक्टोरियल में आप मान तोड़ेंगे मेरे छात्रों तो फैक्टोरियल में आप मैं तोड़ दे रहा हूँ ठीक है मैं तोड़ करके बता दे रहा हूँ कैसे आप तोड़ दें तो तोड़ेंगे तो एन सी आर पर तोड़ेंगे तो आठ फैक्टोरियल होता है बाटा में थ्री फैक्टोरियल दोनों का अंतर कितना है पाँच फैक्टोरियल गुणे दो का पाँच बार गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा पता ही है दो का पाँच बार गुणा कर दीजिए नहीं तो दो गुणे दो गुणे दो विस्तार से तोड़ दे रहा हूँ इसमें इसके बाद आगे बल विस्तार से नहीं करूँगा ठीक है एक्स यहाँ पर एक्स का मान चाहिए ना तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान कितना दिया है एक बटा में दो एक बटा में दो से जब तीन में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा तीन बटा में कितना हो जाएगा दो पावर तीन ठीक है ना और यहां पर नहीं है तो इतना ही रहने दिया आसानी से हम लोग कटा भी सकते हैं टू का पावर आप फाइव रहने दीजिए क्योंकि यहां पर टू आ रहा है और इसके बाद ये हो जाएगा इन टू थ्री बाटा में क्या टू का पावर थ्री ये हो जाएगा फैक्टोरियल को तोड़े आठ मल्टीप्लाई सात मल्टीप्लाई छह मल्टीप्लाई पांच फैक्टोरियल बाटा में तीन फैक्टोरियल तीन फैक्टोरियल को तोड़ दीजिए तीन गुणे दो गुणे एक आ है पांच फैक्टोरियल को रहने दीजिए कोई कट जाएगा अब यहां पर देखिए तीन दुनिया के छह यह भी कट जाएगा मल्टीप्लाई टू का पावर आपका फाइव है गुणे थ्री का पावर थ्री लगेगा में टू का पावर क्या थ्री इसमें जो है ऊपर दो जो है पाँच बार है नीचे तीन बार है तो दो बार में से पाँच बार कट गया तो ऊपर अभी दो दो तीन दो पांच बार बड़े बचेगा ना दो जो है दो बार बचेगा क्योंकि पांच को था तो दो को तीन को कट गया तो दो ही बचेगा ना यहाँ पर हो जाएगा सात आठ सत्य छप्पन गुणे दो का स्क्वायर चार मल्टीप्लाई तीन का स्क्वायर करें तीन दिन त्री सत्ताईस अब इनका टोटल जो आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा छ हजार अड़तालीस कितना हो जाएगा छ हजार अड़तालीस यानी कि ये रहा क्या आपका एंसर फाइनल हुआ यानी कि आपका संख्यात्मक यानी कि आप लिखेंगे कैसे संख्यात्मक मान संख्यात्मक मान बराबर हो जाएगा छ हजार अड़तालीस आपका क्या हुआ फाइनल आंसर ठीक है तो ये मेरे प्रिय छात्रों आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई है ठीक है और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ठीक है तो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं ठीक है तो चलिए इसी के साथ हम लोग इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ दूसरा नंबर भी सेम इसी तरह से आपको करना है थोड़ा सा भी आपका डिफरेंट नहीं है चलिए देखते हैं दूसरे नंबर का सलूशन तो यहाँ पर मैं दूसरा जो है प्रश्न लिया हूँ आपका दूसरे का दूसरा है और जो कि दिया हुआ है थ्री माइनस फोर एक्स का पावर नाइन दिया हुआ है जब यक्स बराबर दे रखा है वन बाई फोर ठीक है यक्स का मान दिया हुआ है वन बाई क्या फोर चलिए कोई दिक्कत नहीं है सेम आपका प्रोसेस जो है यही चलने वाला है तो मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ ठीक है ना चलिए और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दें मेरे प्रिय छात्रों तो ये भी चीज़ मैं रहने देता हूँ ताकि बार बार हम लोग को लिखना ना पड़े और ये भी चीज़ सब रहने दीजिए बस इसको मैं हटा देता हूँ ठीक है फिर व्यापक पद तो आपको वही करना है ठीक ना चलिए तो जो चीज़ें हम लोग को नहीं चाहिए वो हटा दिए हैं हम चलिए चलिए तुलना करते हैं हम लोग यहाँ पर x बराबर आपका थ्री मिला है और हाँ यहाँ पर तुलना करने की ज़रूरत नहीं है आप वहाँ से डायरेक्ट भी रख सकते हैं ठीक ना वो थोड़ा छोटा हो जाएगा और मैं विस्तार से बता रहा हूँ इसलिए आपका बड़ा हो जा रहा है ए बराबर हो जाएगा माइनस फोर एक्स बराबर यक्स का मान आपका दे रखा है तो रख देंगे यानी फोर मल्टीप्लाई वन बाई फोर देखिए यहाँ पर भी रख सकते हैं या नहीं है तो आप उस वहाँ पर भी रख सकते हैं यानी कि यहाँ पर नहीं रखना है जो ए में एक यक्स आएगा वहाँ पर रखना है और ये जो फार्मूले में यक्स है आपका ये वाला वैल्यू है ठीक है यानी कि उठाकर कर वहाँ पर रख दीजिए गलत हो जाएगा ठीक तो ये चार से चार क्या हुआ कट गया माइनस फोर इसलिए मैं स्टेप बाई स्टेप आपको समझाता हूँ अब यहाँ से एन बराबर हो जाएगा कितना नौ अब महत्तम पद इतने के लिए सूत्र महत्तम पद के लिए सूत्र अप्लाई हो रहा है यहां पर इतना हो गया एन प्लस वन एन कितना है नौ है और एगो दस यानी दस माइनस आर हो जाएगा बाटा में आर हो जाएगा ठीक तो है इन टू का मान बोलिए तो का मान है माइनस माइनस चार नहीं है माइनस वन का मान कितना है माइनस वन तो आप रखेंगे प्लस में वन यक्स कितना है आपका तीन है तो तीन हम लोग रख दे ग्रेटर देन इक्वल टू वन चलिए मल्टीप्लाई कराइए तो दस माइनस आर हो जाएगा बटा में थ्री आर हो जाएगा ग्रेटर देन इजिकल टू आपका वन मल्टीप्लाई कराएंगे दस माइनस आर हो जाएगा ग्रेटर देन इजिकल टू क्या हो जाएगा थ्री आर यहाँ से दस ग्रेटर देन इजकअल टू आपका हो जाएगा थ्री आर ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस आर हो जाएगा दस ग्रेटर देन इजिकल टू फोर आर या यहाँ से आप लिख सकते हैं फोर आर देन इजिकल टू कितना दस ठीक है आर बराबर हो जाएगा भाग देंगे तो चार दूनी के आठ हो जाएगा दो और ये चार यानी कि या आपका हो जाएगा दो सही दो बटा में चार ये आप कटा सकते हैं दो सही एक बटा में चार हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं ना चलिए तो ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई कि नहीं अब यहाँ पर आपको पता है कि जो आर है यह एक पूर्णांक नहीं है आर एक पूर्णांक नहीं है अतः आर के आर एक पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब कि महत्तम पद का वो होगा हो एक होगा ना यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर कितना दो आर के कौ मान होगा एक ही मान निकलेगा ना वो भी कितना होगा दो जो पूर्णांक में आपका है वही लेना है क्योंकि दो पूर्णांक में है ये तो आपका आंसर हर में है तो उसको छोड़ देना है अब इसलिए चूंकि यहां पर लिखेंगे कि थ्री माइनस फोर एक्स का पावर नाइन के प्रसार में महत्तम पद आपका देखिए आर का मान दो निकला है तो महत्तम पद कितना होगा तीसरा पद आपका तीन हो गया यानी कि जो महत्तम पद है वो आपका तीसरा आपका हो जाएगा क्या ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं ठीक है और ये वीडियो वास्तव में आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो है शेयर कर दीजिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब व्यापक पद आपको संख्यात्मक मान पूछ रहा है तो इस तरह का यानी कि आप लिखेंगे थ्री माइनस फोर एक्स का पावर नाइन का व्यापक पद व्यापक पद क्या होता है एनसीआर होता है ना N की जगह पर नाइन सी आर की जगह पर आपका टू है इन टू दोनों का अंतर तो आपका सात हो जाएगा इन टू यह हो जाएगा माइनस फोर एक्स का पावर आपका कितना हो जाएगा दो देखिए नाइन सी टू का जो वैल्यू है आपका टोटल फाइन कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा नाइन सी टू का वैल्यू जो है आप यदि हल करेंगे तो आपका मिलेगा तोड़कर मैं दिखा देता हूं ठीक है इसको तोड़कर दिखा देते नाइन फैक्टोरियल बाटा में टू फैक्टोरियल ठीक है अब यहाँ पर या नहीं, नहीं तो एक ऐसे ऐसे हल कर दीजिए ना एक बार ऐसे हल कर दीजिए देखिए कैसे हल करना है ध्यान दीजिएगा पहले ही देखिए इन दोनों का अंतर क्या है सात है कि नहीं है इन दोनों का अंतर सात है ना तो इस नौ को जो है कि तोड़ करके ले जाइए कहाँ तक आप जाइए आप जो है कि छ तक जाइए कहाँ तक जाएगे? जाना है छ तक इन दोनों का अंतर जितना होगा उससे एक कम यानी कि नौ और सात का पाँच का नौ और जो है आपका दो का अंतर जो है आपका सात होगा तो इसको नौ को जो फैक्टोरियल में लिखेंगे तो नौ गुणे आठ गुणे आपका हो जाएगा क्या सात नौ गुणे आठ बस कर लीजिए जितना इनका अंतर होगा एक कम करके फैक्टोरियल में तोड़ दीजिए उसको नहीं है तो यानी कि इन दोनों का अंतर सात है तो यहाँ पर इसको देखिएगा जब ये सात है तो इससे एक कम पर जाइएगा यानी कि आठ तक जाइएगा ये रहता तो कहाँ तक जाते आप सात तक जाते यदि पाँच रहता तो कहाँ तक जाते आप जो है कि छ तक जाते ठीक ना तो एक हिस्से आप बढ़ जाइएगा यानी सात है तो आठ पर रहिएगा और पाँच रहे छः रहेगा तो सात पर रहिएगा आप बाटा में दो फैक्टोरियल की भी तोड़ दीजिए दो गुणे दो ठीक है और नहीं तो जो मैं फार्मूला बताया हूँ एनसीआर पे वो आप वैसे भी तोड़ सकते हैं सेम आपका आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पर आपका जो साथ है सात आएगा सात फैक्टोरियल सात फैक्ट्रियल कट जाएगा इसलिए मैं लिखा नहीं हूँ तो आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलिए दो के बाद चार हो जाएगा मल्टीप्लाई सेवन का पावर क्या हो जाएगा थ्री इन टू यहाँ पर देखिए माइनस है ना फोर इंटू एक्स एक्स का मान कितना है वन बाई फोर तो ये हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई वन बाई फोर का पावर टू फोर से फोर कट गया तो ये हो जाएगा नचौ का छत्तीस हो जाएगा मल्टीप्लाई सेवन का पावर क्या थ्री तो सात का घात तीन है तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग करा सकते हैं तो सात का घात नहीं तो है तो तीन रहने दीजिए ठीक है सात का घात तीन छोड़ दीजिए आंसर में आपका सात घात तीन के रूप में दिया है तो ही आप छोड़ दीजिए या आप स्क्वायर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है छत्तीस मल्टीप्लाई सेवन का पावर क्या

यहाँ पर भी जो है आप आप इसका इस क्यू करके आप जो मल्टीप्लाई करा सकते हैं तो भी आपका आंसर सेम तो चलिए ये आपका जो है दूसरे का दूसरा रहा अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर की तरफ दूसरे का कौन था तीसरा चलिए ध्यान दीजिएगा दूसरे का तीसरा कैसे आपको सोलूशन करना सेम प्रोसेस आपका दूसरे का तीसरा भी वही चलने वाला है चलिए इस चीज को मैं हटा देता हूं और फिर बात करते हैं हम लोग दूसरे का तीसरा और ये वीडियो आपको ज्यादा पसंद आ रहे तो इस वीडियो को शेयर कर दें ठीक है चलिए इस चीज को मैं हटा देता हूं फिर यहां पे सब चीज हटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ चलिए तो वही तो सब हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा इसी तरह से सेम चलिए तीसरे पे आते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है वन प्लस एक्स का पावर सिक्स वन प्लस एक्स का पावर क्या सिक्स तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं वहाँ पे यानी कि मैं लिख देता हूँ तो यक्स बराबर वन है ए बराबर है एक का पावर छः यही बराबर एक्स का मान कितना दिया हुआ एक्स का मान दिया हुआ थ्री बाई टू थ्री बाई टू नहीं टू बाई थ्री है ठीक है टू बाई थ्री है थ्री बाई टू नहीं टू बाई थ्री है ठीक है पावर कितना लगाएंगे आप लोग छः क्या ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं पावर इसमें दिया हुआ है पावर सर पे दिया हुआ है यार पावर सर पे दिया हुआ है इसमें नहीं दिया हुआ है पूरे का पावर छः दिया हुआ है क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को सही कर लेंगे पूरे का पावर छः दिया हुआ है हम कहीं हाथ पे दिया हुआ है ठीक है चलिए तो यक्स एक अमान इतना आ गया और नंबर जो है आपके कितने हैं छः समझ में आई बात ना चलिए तो वही महत्म पद के लिए फार्मूला अप्लाई किया जाए तो यहाँ पर एन का मान छः तो छः कितना हो जाएगा सात माइनस आर हो जाएगा बटा में आर इन टू एक कितना फाइंड हुआ है भाई तीन दो बाई तीन दो बटा में तीन इन टू x का मान बोल दीजिए तो x का मान 1 है तो आपको वही रह जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई कराइए 14 2r हो जाएगा बाटा में क्या 3r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाएगा भेजिए उसको उधर ग्रेटर देन इक्वल टू 3r ये 2r है इधर आएगा तो 2r 14 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दो हो जाएगा 5r ठीक है या यहां पर हम लोग पलट के लिख सकते हैं फाइव आर स्मार यहां से आर बराबर हो जाएगा इसमार पान दुनिया के दस तो क्या ये आर का मान एक पूर्णांक है नहीं है ना तो आर का मान पूर्णांक नहीं है इसलिए आर का मान कितना होगा आर का मान कितना होगा दो पूर्णांक रहता तो तो आपके दो मान हो जाते हैं लेकिन पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब आर का मान सिर्फ कितना हो जाएगा दो ही ना होगा आपको बार बार बता चुका हूं तो चूंकि पर अच्छा यहाँ पर ऐसे लिखने चाहिए ना अब लिख दीजिए थोड़ा अच्छा रहेगा अब यहां पर लिखेंगे वन प्लस एक्स का पावर सिक्स के प्रसार में महत्तम पद तीसरा पद है महत्तम पद क्या है तीसरा पद यानी कि यह वन प्लस एक्स का पावर छः के प्रसार में महत्तम पद बराबर कितना है तीसरा पद ठीक है ना चलिए ये वीडियो ज्यादा आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा ठीक है आर कमान है तो महत्तम पद तीन गया अब हम उठते हैं व्यापक 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 पद 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 की की तरफ तरफ तो तरफ आते हैं तो का का पावर का पद तोड़ेंगे तो आपको क्या हो जाए सी आर का वैल्यू है आपको आपका आर मान दो मिला हुआ है इन टू वन का पावर दोनों का अंतर यानी कि फोर हो जाएगा सिक्स में से टू घटा फोर होगा ना इन टू एक्स का पावर सिक्स यानी कि एक्स का मान कितना है टू बाई थ्री मैं डायरेक्ट रखता हूँ पावर सिक्स इसको फैक्टोरियल में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल में तो, फैक्टोरियल में क्या कहां तक जाना है पांच तक घट के जाना है ये जो आपका है इसको पांच तक ले जाना है घट करके तो आपका हो जाएगा छुणे पांच कहां तक जाना है छुणे और दो को तोड़ दीजिए दो गुणे एक ठीक है आप इसको देख आप हल कर सकते हैं या नहीं तो इनके बीच देखिए अंतर कितने का है वहां तक ही चलिएगा तो अंतर इनके बीच चार का था तो आप लोग पांच तक जाएगा यानी कि छह को तोड़ करके पांच तक ले जाना है चार तक नहीं जाना है चार तक जाएंगे तो फैक्टोरियल में आएगा क्योंकि आपका अंतर चार है मल्टीप्लाई वन ठीक है यहां पर मिस्टेक फिर मिस्टेक टू होना चाहिए ना तो यहां पर हो जाएगा वन मल्टीप्लाई टू बाई थ्री मल्टीप्लाई टू बाई थ्री दो बार लिखना है दो से दो कट गया तीन से दो कट गया तो ये हो जाएगा आपका कितना दो मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई टू बच गया क्या? थ्री पांच बीस बटा बीस में कितना तीन। सही है या गलत बीस बटा में तीन सही यानी कि ये जो आपका संख्यात्मक मान है संख्यात्मक मान आपका मिला हुआ है लिखेंगे संख्यात्मक मान बराबर हो जाएगा बीस बटा में क्या ठीक है ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि संख्यात्मक मान जो है आपका बीस बटा में जो तीन है ये आपका क्या रहा आंसर और हाँ दोनों को एक साथ लिख सकते हैं तो तो आंसर में तीन में तीन। में लिखिएगा यानी कि बटा ठीक है समझ आई बात स्टेप स्टेप बाय सभी चीजें मैं बता रहा हूँ तो ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं अंतिम प्रश्न की तरफ दूसरे का चौथा प्रश्न इसके बाद अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे तीसरे नंबर से ठीक है चलिए तो चौथा नंबर देखते हैं चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दूसरे का चौथा ठीक है दूसरे का चार नंबर जो है आपको कैसे सोलूशन करना है गौर से आप समझते रहिए चार नंबर भी आपका सेम प्रोसेस वही लेकिन इसमें दो वैल्यू दे रखा है यक्स मान आपका ग्यारह दिया हुआ है और एक जो है वाई मान कितना दिया हुआ है आपका चार कोई दिक्कत नहीं है सेम आपको वैसे प्रोसेस लेकर चलना है देखिए तो यहां पर देखिए यक्स बराबर यक्स है आपका यक्स बराबर क्या है एक्स लेकिन यही बराबर कोई दिक्कत नहीं है, है यहाँ पर नंबर जो है आपके कितने है? तीस, अब यहाँ से महत्तम पद के लिए वही फार्मूला अप्लाई कीजिए यन यहाँ पर हो जाएगा यन और एक जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा इकतीस माइनस आर बटा में आर इंटू ए का मान कितना है आपका माइनस चार है लेकिन हमको पता है ही प्लस में रखा जाता है यक्स का मान कितना है ग्यारह ग्रेटर देन इजकअल टू आपका 1. 4 एक मल्टीप्लाई कराएं चार कम चार हो जाएगा चार से बारह एक सौ चौबीस माइनस चार आर बाटा में ग्यारह से आर में ग्यारह आर ग्रेटर देन इजिकल टू कितना हो जाएगा वन ये हो जाएगा एक सौ चौबीस माइनस फोर आर ग्रेटर देन इजकल टू ग्यारह आर एक सौ चौबीस ग्रेटर देन इजिकल टू ग्यारह आर माइनस में आएगा तो प्लस फोर आर एक सौ चौबीस ग्रेटर देन इजिकल टू जोड़ दीजिए एक सौ पंद्रह ठीक है या एक सौ पंद्रह आर इस्मॉलर देन इक्वल इस टू हो जाएगा एक सौ कितना चौबीस आर बराबर हो जाएगा यदि पंद्रह से एक सौ चौबीस में भाग देंगे टोटल हो जाएगा आठ से ही इस्मॉलर देन ना आर इस्मॉलर देन आठ से ही चार बाटा में कितना हो जाएगा पंद्रह ठीक है तो ये दो पूर्णांक नहीं है आठ से ही चार बाटा में पंद्रह हुआ भाग देकर आप देख सकते हैं सही है गलत तो यहाँ से यह पूर्णांक नहीं है तब यहाँ पर आपका आर बराबर कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा आर का मान कितना आठ क्योंकि जब पूर्णांक नहीं रहता है तो महत्तम पर एक ही मिलता है और एक ही माँ एक ही एक ही आर का मान वही लिया जाएगा जो आपका पूर्णांक में हो तो आठ पूर्णांक में है ये पूर्णांक में नहीं है तो आपका हो जाएगा आठ आर बार, बार कितना हो जाएगा आठ ठीक है यहां पर अब लिखेंगे आर बार बार आठ है इसलिए यहां पर लिख दिए इसलिए कहा गया इसलिए यक्स माइनस वाई का पावर के प्रसार में महत्तम पद ये आठ है तो महत्तम पद कौथा हो जाएगा नौवा पद पद महत्तम क्या कितना हो जाएगा नौवा जो पद है आपका महत्तम पद आपका हो जाएगा ठीक है तो ये आपका आंसर रहा या आप ऐसे आप नहीं लिख सकते तो ऐसे लिख सकते हैं नवा पद ऐसे भी आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं अच्छा रहेगा ठीक है नौवा पद आर का मान आपको पता ही महत्तम पद जो होता है हमेशा आर से एक अधिक होता है महत्तम पद जो आर का मान है वो आठ आया है तो महत्म पद कितना हो जाएगा नौ आर का मान दस रहता है तो महत्म पद कितना हो जाता है ग्यारह हो जाता है ठीक ना चलिए यहाँ पर आ जाइए अब यहाँ पर x माइनस वाई का पावर तीस का व्यापक पद आपका क्या हो जाएगा एन सी आर तीस सी आर का मान कितना है आठ ठीक है और इन टू यक्स के सर पे हो जाएगा दोनों का अंतर तो आठ में से तीस में से आठ घटा कितना हो जाएगा बाईस इंटू ठीक है यह हो जाएगा एक्स का सॉरी वाई का पावर आठ होगा ना अब यहां पर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए तो भी आंसर सही है क्योंकि इसका जब हम, हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो बहुत ही बड़ा होगा एक्स e e का मान पुट कीजिए ग्यारह ग्यारह का घात कितना हो जाएगा बाईस इन टू वाई का घात कितना है वाई कितना है चार तो चार का घात कितना हो जाएगा आठ और जब इतने का मल्टीप्लाई कराएंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा बहुत ही क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा इसलिए जो है कि हम लोग इतना ही फैक्टोरियल में रहने देंगे क्योंकि हम हल करेंगे तो बहुत ही ये प्रोसेस जो है आपका बड़ा होने वाला है ठीक है तो इसलिए आपका जो है संख्यात्मक मान कितना हो जाएगा संख्यात्मक मान बराबर हो जाएगा आपका तीस सी एट इंटू ग्यारह का पावर आपका बाईस हो जाएगा इंटू चार का पावर कितना हो जाएगा आठ ये रहा आपका फाइनल आंसर ठीक है क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल हम लोग तोड़ेंगे तो बहुत ही बड़ा गुणा होगा गुणा करते ही रह जाएंगे सिर्फ व्यापक पद पे आप रख करके वहाँ पे छोड़ सकते हैं तो भी आपका आंसर सही है एक भी नंबर कटने वाला नहीं है ठीक है चलिए तो ये प्रोसेस रहा प्रश्न नंबर दूसरे का चार तक हम लोग कंप्लीट कर लिए और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा ठीक है और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा तो ये रहा आपका जो है प्रश्न नंबर दो के सभी प्रश्नों का सलूशन और प्रश्न नंबर एक के सभी प्रश्नों का सलूशन रहा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में सोल्यूशन कराया जाएगा प्रश्न नंबर तीन का